तो दोस्तों, मार्केट में एक बार फिर से यहाँ पर इलॉन मस्क के एक छोटे से ट्वीट के कारण डॉज कॉइन के प्राइस में हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिला है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर इसको ने 26% की ग्रोथ अपने प्राइस में दिखाई है, और पिछले 7 दिन की जहाँ तक बात की जाए तो ऑलमोस्ट 35.9% से इसके प्राइस में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की बात करें तो शिबा इनू कॉइन भी ऑलमोस्ट 9-10% का ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा चुका है। वहीं पर शिबा इनू से रिलेटेड मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पर सामने आ चुकी है। यहाँ पर शिप बर्न को लेकर शिबा इनू की बर्निंग से रिलेटेड शिबा इनू कॉइन अब अपनी टीम के साथ एक शिप पावर्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला है, जिसमें बर्निंग को काफी ज्यादा तेज किया जाएगा और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स को अपनी सप्लाई में बर्न किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं जिस तरह से यहाँ पर बर्निंग हो रही है उसी को पकड़कर अगर शिबा इनू कॉइन आने वाले समय में भी इसी तरह से बर्निंग करता रहेगा तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है अपनी पूरी सप्लाई को बर्न करने के लिए। वहीं पर अगर यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे तो शिबा इनू कॉइन कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स बर्न कर सकता है। यहाँ पर शिबेनियम के लॉन्च के बाद शिबा इनू के बर्न रेट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 60,000% को इसका बर्न रेट टच करके आ चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर जब से यहाँ पर शिबेनियम लॉन्च हुआ है। वहीं पर इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स शिबा इनू कॉइन अपने यूज केस में और ज्यादा ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है जल्द ही। इसी के साथ ही यहाँ पर एनालिटिक्स इनसाइट ने 2023 के अप्रैल के लिए यानी कि इस मंथ के लिए एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन लगाया है, जिसमें कि 3 कॉइन्स ऐसे हैं जो अप्रैल में ऑलमोस्ट $1 को टच करते दिखाई दे सकते हैं। इस लिस्ट में यहाँ पर शिबा इनू कॉइन का भी नाम शामिल हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय के अंदर शिबा इनू कॉइन का प्राइस हमें कितने ऊपर जाता दिखाई दे सकता है, क्या 2023 के अप्रैल में यानी कि इस महीने ये कॉइन $1 तक जाता दिखाई दे सकता है, $1 ना सही केवल ₹1 तक जाता दिखाई दे सकता है, और अगर हाँ तो बुल रन आने पर इस कॉइन के प्राइस में हमें कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू यानी कि शिब के बारे में। करंटली यहाँ पर मीम कॉइन्स काफी ज्यादा तेजी से उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉज कॉइन ने एक बहुत अच्छा पंप अपनी प्राइस में दिखा दिया है। रीजन वही है, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्वीट किया है, जिसके कारण यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ट्विटर के लोगो को रिसेंटली चेंज कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं बर्ड वाला लोगो हुआ करता था ट्विटर का, इस समय उन्होंने उसे बदलकर यहाँ पर शिबा इनू डॉग के लोगो को यानी कि डॉज कॉइन के लोगो को यहाँ पर अपने ट्विटर का ऑफिशियल लोगो बना लिया। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम शिबा इनू कॉइन की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये कॉइन ऑलमोस्ट 5% से पिछले 24 आवर्स के अंदर ग्रोथ दिखा चुका है। प्राइस की बात करें तो इस समय अपनी प्राइस में 3-0 लगाता हुआ 9 की सीरीज पर चल रहा है। जहां तक बात करें रैंकिंग की तो इस समय 13th रैंक पर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम में इसके हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है, जहां पर पिछले 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 156% का ग्रोथ हमें इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में पिछले 24 आवर्स के अंदर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7 दिन का ग्राफ काफी ज्यादा ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, पिछले 1 महीने से ये कॉइन लगातार ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें इसके प्राइस में देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये कॉइन रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मार्केट इस समय काफी ज्यादा बेरिश मोड पर आ चुका है, लेकिन हर एक कॉइन इस समय मार्केट में जो भी पोटेंशियल कॉइन है जो भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकते हैं वो सारे कॉइन्स इस समय धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल फेब में यानी कि केवल 2 महीने पहले जब हमें मार्केट में बुल रैली देखने को मिली थी, इस कॉइन ने अपने 1-0 को किल कर लिया था, यानी कि 0.001 को ये पहले ही टच कर चुका है, और कभी भी ये कॉइन अपने 1-0 को आराम से किल करता हुआ दिखाई देगा। क्लियरली यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन लगाया है एनालिटिक्स इनसाइट ने, जहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कॉइन अप्रैल महीने के अंदर यानी कि इस महीने के अंदर ऑलमोस्ट $1 को टच करता दिखाई दे सकता है। शिबा इनू कॉइन के साथ यहाँ पर डॉज कॉइन का नाम भी शामिल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली इलॉन मस्क के ट्विटर के लोगो को चेंज करने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें डॉज कॉइन के प्राइस में देखने को मिल ही रही है। दूसरी तरफ अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं काफी सारी चीजों को इसने अपने यूज केस में अपने इकोसिस्टम में डेवलप किया है। यहाँ पर शिबा स्वैप को लॉन्च किया गया, उसके बाद यहाँ पर NFTs और मेटावर्स में कदम रखा गया, जिसके बाद शिबोशीश को लॉन्च किया गया, इसके बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं शिब द मेटावर्स को भी लॉन्च किया गया। shib.io नाम की एक वेबसाइट को भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसमें आप शिब टोकन्स को यूज करके मेटावर्स में कहीं पर भी अपना खुद का लैंड खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इटर्निटी को भी लॉन्च किया गया है, और रिसेंटली यहाँ पर शिबेरियम को भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल
हैंडल पर अगर देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 3.6 मिलियन फॉलोअर्स इस कॉइन को इस समय होल्ड करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर शिबेरियम के लॉन्च के बाद काफी सारा सपोर्ट इसकी आर्मी से शिबाइनू को मिला है, साथ ही में यहाँ पर बर्न रेट में भी काफी ज्यादा स्पाइक हमें देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली यूटुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 बिलियन टोकन पिछले हफ्ते ही बर्न कर दिए गए हैं। देखा जाए तो ये बहुत कम नंबर है और इसी कम नंबर को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक और इनिशिएटिव इस कॉइन ने उठा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिप बर्न ने एक एक्साइटिंग शिप पावर्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का फैसला किया है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शिबाइनू टोकन को बर्न किया जाएगा। इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40% ऑफ इनिशियल सप्लाई पूरी तरह से बर्न हो चुकी है, वहीं पर यह कॉइन अपनी 99% सप्लाई को बर्न करने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले। तो वहीं पर इस समय अगर हम देखें तो इस कॉइन की इनिशियल सप्लाई ऑलमोस्ट 410 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं पर टोटल सप्लाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 589 ट्रिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। और इस समय इस इनिशियल सप्लाई में से ऑलमोस्ट 41% सप्लाई पूरी तरह से बर्न हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इथेरियम के फाउंडर ने अपनी 90% शिबाइनू होल्डिंग्स को पूरी तरह से डोनेट कर दिया था और यहाँ पर बाकी बचे सभी शिबाइनू टोकन्स को बर्न कर दिया था। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था यहाँ पर इथेरियम के फाउंडर ने शिबाइनू के बर्न को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर रीजंस दिए हैं एएमबी क्रिप्टो ने, जहाँ पर शिबा का प्राइस हमें और ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर रीजंस काफी सारे हैं, शिबेरियम यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसी के साथ में यहाँ पर बर्न रेट में भी हमें अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली है शिबेरियम के कारण। और इसी के साथ में इन्होंने एक अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस निकाला है जिसमें इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कॉइन ऑलमोस्ट $1 को टच करता दिखाई दे सकता है अप्रैल मंथ के अंदर। तो क्लियरली यहाँ पर हर एक अपडेट शिबाइनू कॉइन अपने यूज केस में लाता जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स यहाँ पर बर्न किया जा सके, सप्लाई को कम से कम समय में यहाँ पर डिक्रीज कर दिया जाए और इसका प्राइस हमें ग्रो करता दिखाई दे। तो यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट के हिसाब से, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-6 रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर क्लियर प्रेडिक्शन ये लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल महीने के अंदर यानी कि इस महीने के अंदर ये कॉइन $1 को टच करता दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क भी काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर शिबाइनू को दिखाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगो इन्होंने ट्विटर का चेंज किया है उसमें शिबाइनू डॉग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये लोगो इस समय डॉज कॉइन का है। वहीं पर कई सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर मार्केट में इस महीने हमें बुल रन देखने को मिलता है तो शिबाइनू कॉइन का प्राइस और ज्यादा ऊपर जाता दिखाई दे सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर ये कॉइन बहुत अच्छी ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा सकता है। डॉज कॉइन के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलॉन मस्क के छोटे से ट्वीट के कारण इस कॉइन के प्राइस में अगर इतना ज्यादा पंप हमें देखने को मिल सकता है तो आने वाले समय में बुल रन आने पर हमें ये कॉइन कितना ऊपर जाता दिखाई देने वाला है, यही से आप प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। तो इस समय जिन भी लोगों ने यहाँ पर शिबाइनू में इन्वेस्ट करके रखा है, अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखा है, उन लोगों को यहाँ पर एक्सपर्ट्स के हिसाब से केवल 1 महीने के लिए अपने कॉइन्स को होल्ड करना है अगर आप शिबाइनू कॉइन को 1 रुपए पर सेल करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की अपडेट शिबाइनू कॉइन से रिलेटेड। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है।